आज के इस वीडियो में होली के पावन पर्व को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। होली के त्योहार पर आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। होली का पावन पर्व जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। सनातन धर्म में चार प्रमुख त्योहार माने गए हैं और उनमें से एक होता है रंगों का पर्व त्योहार होली। फाल्गुन महीने में आने वाले होली के पर्व का हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। होली के पहले होलिका दहन की परंपरा है। होलिका दहन रात में किया जाता है, लेकिन आपको बता दें इस बार होलिका दहन को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है। आखिर कब होली जलेगी, होलिका दहन कब किया जाएगा, क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है, भद्रा का समय क्या रहेगा, 24 को मनेगी, 25 या फिर 26, कब मनाया जाएगा रंगों का त्योहार होली, ये तमाम तरह के जो सवाल है, जानकारियां वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी होली के त्योहार को लेकर, इस साल होली की सही तिथि को लेकर अगर आप भी कंफ्यूजन में है तो आप यहां पर पूरी जानकारी देख पाएंगे। होली के पावन पर्व का संबंध रंग, उमंग और खुशियों से है। होलिका दहन रात में किया जाता है। ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक शास्त्रों में फाल्गुन शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्यापी पूर्णिमा को होली मनाने का विधान है। इस बार 24 मार्च रविवार को सुबह चतुर्थी और फिर शाम को पूर्णिमा लग जाएगी। अगले दिन 25 तारीख यानी सोमवार को होली खेली जाएगी। प्रदोष काल में होली का पूजन करना चाहिए। होली से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है, लेकिन इस साल होली का जलाने के समय भद्रा काल पड़ रहा है। कब और किस मुहूर्त में होली का जलेगी, आइए आपको बताते हैं। भद्रा काल के चलते काफी लोगों के मन में ये कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर होली का दहन किस दिन होगा और मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग के मुताबिक 24 मार्च की शाम से ही भद्रा काल लग जाएगा, जो रात 11:13 तक रहने वाला है। अलग अलग शहरों में समय में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है और ऐसे में भद्रा काल के समाप्त होने के बाद कभी भी होली का जलाई जा सकती है। 24 मार्च की सुबह 9:54 पर भद्रा आरंभ हो जाएगी, यानी भद्रा की शुरुआत हो जाएगी, जो रात 11:13 तक रहेगी। यानी भद्रा काल के समापन पर ही होली का दहन हो सकता है। भद्रा काल क्या होता है आपको बताते हैं। पंचांग में 5 चीजों का उल्लेख मिलता है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इसमें तिथि का आधा भाग करण कहलाता है। कुल 11 करण होते हैं, उनमें से एक भद्रा नाम का करण होता है। भद्रा में कोई भी शुभ काम नहीं होते हैं और ऐसे में जब भद्रा आ जाए तो उसको छोड़कर अग्नि जलाई जाती है। शास्त्रों में दो पर्व कभी भी भद्रा काल में नहीं मनाए जाते हैं, पहला रक्षाबंधन और दूसरा होली का दहन। और इस बार भद्रा जो है वो 24 मार्च की सुबह 9:54 पर आरंभ हो रही है, जो रात 11:13 तक रहेगी और भद्रा समाप्त होगा उसके बाद ही होली का दहन हो सकता है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का आरंभ 24 मार्च की सुबह 9:55 से हो जाएगा और 25 मार्च की दोपहर 12:30 तक रहेगा। होली का दहन पूर्णिमा तिथि में और भद्रा रहित काल में ही करना शुभ माना गया, इसलिए होली का दहन 24 मार्च की रात 11:13 के बाद करना शुभ रहेगा और रंग 25 मार्च को खेला जाएगा। हालांकि होली का दहन पर चंद्र ग्रहण रहने का भ्रम भी फैलाया जा रहा है, जबकि होली पर कोई चंद्र ग्रहण नहीं होगा। जो उप छाया चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वह भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए चंद्र ग्रहण को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यानी भारत में चंद्र ग्रहण नजर न आने के कारण होली पर ग्रहण दोष के भय से हटकर आप रंगों का आनंद ले पाएंगे। इस साल होली का दहन के दिन स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, बुधादित्य योग सहित कई महत्वपूर्ण शुभ योग बन रहे हैं। इस साल 25 मार्च को होली खेली जाएगी और उसके एक दिन पहले यानी 24 मार्च को होली का दहन किया जाएगा। भद्रा काल में होली का दहन करना शुभ नहीं होता। इस साल होली का दहन की शाम भद्रा का साया है। 24 मार्च को भद्रा काल रात्रि 11:13 तक रहने वाला है, इसलिए होली का दहन का जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वो रात्रि 11:14 से लेकर 12:20 तक है और इस बीच आप होली का दहन कर सकते हैं। पूर्णिमा 2 दिन, लेकिन 24 तारीख को ही होली जलेगी। 9 शुभ योगों में होली का दहन होगा। पिछले 700 सालों में ऐसा संयोग नहीं बना है, तो अब आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। 24 मार्च को होली का दहन होगा, 25 तारीख को रंगों का त्योहार होली खेली जाएगी। शहरों के हिसाब से समय कुछ मिनट आगे पीछे रह सकता है, इसलिए रात 11 बजे बाद ही होली जलानी चाहिए। अब बताते हैं आपको होली के त्योहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। होली का दहन के दिन आप क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए। होली का दहन के दिन किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। होलिका दहन की पूजा करते समय पीले या सफेद रंग के कपड़े ना पहने। महिलाएं होलिका दहन की शाम या पूजा करते समय अपने बालों को खुला ना रखें। इस दिन नकारात्मक शक्तियां प्रबल होती हैं, ऐसे में होलिका दहन की रात को सड़क पर पड़ी किसी भी वस्तु को ना छुएं। नवविवाहित महिलाएं होलिका दहन की अग्नि को जलते हुए ना देखें, सावधान रहें। नवविवाहित जो महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, वो होलिका दहन की अग्नि को जलते हुए ना देखें। होलिका दहन के समय अपने अंदर की बुराइयों को जलाने की प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। होलिका जलाने से पहले होलिका पूजा का बहुत महत्व है, सही मुहूर्त पर ही पूजा करें और इस दिन घी का दीपक जलाकर अपने घर की उत्तर दिशा में रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। घर में शांति और सुख समृद्धि आएगी। काम धंधे रोजगार आपके अच्छे चलेंगे। घी का दीपक
दीपक आप जरूर जलाएं, घर की उत्तर दिशा में उसे रखें। होली के बाद राशियों का प्रभाव कैसा रहेगा? होली के बाद निकट आने वाले हैं शुक्र और राहु, कई राशियों का भाग्योदय हो जाएगा। होली के बाद 31 मार्च को शुक्र अपना स्थान परिवर्तन कर मीन में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही राहु विराजमान है। 18 साल बाद शुक्र और राहु की युति के सहयोग बन रहे हैं, जिससे कुछ राशियों का भाग्योदय होगा। चंद्र ग्रहण के बाद बुध की चाल भी बदल जाएगी और कई राशियां मालामाल होने वाली है, बम्पर लाभ मिलने वाला है। मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। होली के बाद कुल 6 ऐसी राशियां होगी जिन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बुध के मेष राशि में जाने से गुरु और बुध की युति बनेगी और जातकों को कई बड़े फायदे मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, माता पिता का सपोर्ट मिलेगा, शादी विवाह भी तय हो सकता है, विद्यार्थियों के लिए भी शुभ समय रहेगा। नौकरी कारोबार में भी धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे, विदेश यात्राओं के योग भी बनेंगे, वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, नौकरी पैसा लोगों के पदोन्नति के चांसेस भी बढ़ेंगे। मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, इन सब के लिए बड़ा फायदा मिलने वाला है। देश के लिए इस बार होली आर्थिक तरक्की वाली होने वाली है, लेकिन राजनीति में कुछ उथल पुथल जरूर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषाचार्यों ने यह कहा कि ये होली देश के लिए आर्थिक और भौतिक उन्नति लेकर आ रही है। देश में विकास योजनाओं पर तेजी से काम होने की संभावनाएं हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर और स्टार्टअप तेजी से बढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी बड़ी डील होने के आसार हैं। हालांकि कई धार्मिक मामलों में विवाद और विरोध होने की आशंकाएं हैं। राजनीति से जुड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। राजनेताओं में विवाद और टकराव की स्थितियां हो सकती हैं। देश में बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। तो ये दोस्तों होली के त्योहार को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट आप लोगों ने देखा और सुना। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी काम की ताजा जानकारियों के लेटेस्ट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज खबरों के लिए माई स्मार्ट गाइड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।